और चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज के दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन माँ की साधना से कष्ट दुख संकट का हरण होता है। माँ के जयकारों की चारों तरफ गूंज है। नवरात्र के दूसरे दिन भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है और शत्रुओं का नाश करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जो संकट दुख विघर हरने वाली है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य रूप में होता है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। हजारों वर्षों तक माँ ने जंगलों में रहकर भगवान शिव की आराधना की। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निरहार रहकर तपस्या करती रही। माँ ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो गईं। इस तपस्या को देख सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन का प्रयोग किया जाता है। पूजन आरंभ करने से पूर्व माँ ब्रह्मचारिणी को दूध, दही, शर्करा, घृत और शहद से स्नान कराया जाता है। इसके उपरांत माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसाद अर्पित करें। इस क्रिया को पूरा करने के बाद आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करनी चाहिए। इसके बाद ही स्थापित कलश, नवग्रह, दश दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह की अशुभता को दूर करने में मदद मिलती है। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां पे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दीपक, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, किस मंदिर में हैं और आपके आसपास जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके की हैं? जो भक्त हैं उनसे भी आप बात कीजिए, क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है। बिल्कुल चांदनी, पहले तो हम अपने दर्शकों को माँ काली की उस स्वरूप की यहाँ पे दर्शन कराते हैं, जो गोरखपुर के गोलघर में स्थित है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि चाहे शारदीय नवरात्रि हो या बासंती नवरात्रि हो, दोनों नवरात्रों में इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा रहता है। परिस्थितियाँ इस बार थोड़ी सी अलग हैं इस मायने में, क्योंकि कोविड की वजह से जो भीड़ पिछले सालों तक इस मंदिर में दिखा करती थी चांदनी, वो इस बार नहीं है। लोग आ तो रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, लेकिन कम आ रहे हैं। और जो मंदिर व्यवस्थापक है, मंदिर प्रबंधन है, जो पुजारी है, वो भी कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए मास्क लगा करके यहाँ पे कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को एक सीमा तक ही यहाँ पे आने दिया जा रहा है, उसके बाद मंदिर के अंदर उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से यहाँ पे एक दूरी बना करके जो लोग आ रहे हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं। और माँ की आराधना के लिए जो सुबह 5 बजे से ही मंदिर में जब आरती शुरू होती है, उसके बाद से ही आने का सिलसिला शुरू होता है। पिछले सालों तक अगर बात करें तो इस नवरात्रि में कतार यहाँ पर लगी रहती थी, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिला करती थी। लेकिन इस बार सरकार ने भी तमाम अपील किए हैं लोगों से, और स्वयं खुद भी लोग अब थोड़ी सी भीड़ भाड़ से बच रहे हैं। और यही कारण है कि सुबह के समय जो भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ फिलहाल अभी पूरी तरह से दिख नहीं रही है, क्योंकि दिन भर ये सिलसिला जो लोगों के आने जाने का है वो चलता रहेगा। लोग आकर के माँ काली के इस मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और पूरे नवरात्र भर इसी तरह से लोगों के आने का जो सिलसिला वो जारी रहेगा। साथ बिल्कुल दीपक, अगर काली मंदिर की बात करें तो अक्सर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है और नवरात्र में तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती यहाँ पर। जो भक्त वहाँ पर मौजूद है, जरा आप उनसे बात करिए, वो किस तरीके से आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। hmm.
बिल्कुल कोशिश करता हूं भक्तों से भी बात करने की, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या भी कम है और पहले यहां के पुजारी जो हैं उनसे बात कर लेते हैं कि ये बताइए जो इस बार आप लोगों ने नियम नए कुछ बनाए हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं को पूजा अर्चन करवा रहे हैं आप? पूजा जो करा रहे हैं सर, अब धीरे धीरे पब्लिक आ रहे हैं, दूरी बना रख रहे हैं, पहले जितना भीड़ होता था अब उतना भीड़ नहीं हो रहा है, अब धीरे 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 अब भीड़ हो रहा है। आप लोग क्या कह रहे हैं इन लोगों से दूरी बनाने की? बोल रहे हैं हम लोग मास्क लगा के आइए, आप दूरी बनाए रखे हैं, एक एक लोग पीछे पीछे अपना रहे हैं। चलिए कुछ लोग भी यहाँ पे सर जो पूजा करने आप आते हैं, कितने साल से आ रहे हैं माँ के इस दरबार में? हम लोग काफ़ी दौर से, पुराने दौर से आ रहे हैं, दस हमारी जब से उम्र हुई है होश संभाले तब से हम लोग यहाँ माता जी का दर्शन करने आते हैं। इस बार थोड़ी सी स्थिति बदली हुई है कोरोना की वजह से, तो एक दूरी बनाकर के भी लोग मंदिरों में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो लोग दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं? जिस तरह से आपने मास्क लगाए, लोगों से भी अपील करेंगे? बिल्कुल, कोरोना काल चल रहा है तो दो गज दूरी मास्क से जरूरी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है कि आप लोग कोरोना से एक काल में थोड़ा दूरी बना के चलें और साथ में माँ का दर्शन भी और आशीर्वाद भी प्राप्त करें। पूजा अर्चना तो होती ही है, पूजा अर्चना तो लोग घरों पे भी करते हैं, लेकिन मंदिरों में आकर के खासतौर पे गोरखपुर में अगर बात करें तो काली मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करने का जो सिलसिला है लोगों का, वो पिछले कई अगर कहें तो दशकों से चलता आ रहा, क्योंकि ये जो मंदिर है चांदनी काफ़ी पुराना है, गोरखपुर के गोलघर में है, अगर कहें तो गोरखपुर का हृदय माना जाता है गोलघर, और इस मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करने की जो लोगों की इच्छा है वो हर साल यहाँ पे रहती है, खासतौर पे इस शारदीय नवरात्रि में माना जाता है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं पूजा अर्चना करते हैं उनकी जो मुरादें होती हैं जो माँ से वो मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। इस बार लोग जो सुबह सुबह यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करती है, क्योंकि जो श्रद्धालु आसपास के दुकानदार हैं जी या फिर स्थानीय लोग हैं वो सुबह आकर के पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन इस बार अब लोग भीड़ से बचने के लिए दिन में भी आकर के पूजा अर्चना यहाँ पे कर रहे हैं, और पूरे दिन जो लोगों के आने का सिलसिला वो इसी तरह से जारी है और पूजा अर्चना का जो दौर है वो भी जारी है चाहते हैं। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि भले कोरोना काल है, भले गाइडलाइंस बना दी गई है, लेकिन भक्तों की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आ रही, और सुबह से ही भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल, आस्था एक ऐसी चीज़ है कि वो सभी पर भारी होती है, भले ही कोरोना का काल चल रहा हो, लेकिन लोगों को जब पता चला कि सरकार ने छूट दी है थोड़ी सी, खास तौर पे 200 लोगों के लिए एक दूरी बना करके और पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन करके मंदिरों में आने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए, तो लोग स्वयं भी थोड़े से जागरूक जरूर दिख रहे हैं यहाँ पे। तमाम ऐसे लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे जो मास्क लगाए हुए हैं, दूरी बना करके चल रहे हैं, भीड़ में भी अपने आप को थोड़ा सा किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जो स्थितियाँ हैं खासतौर पर गोरखपुर की अगर बात करें तो हर दिन यहाँ पे 150 से 200 पेशेंट कोरोना के पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग स्वयं भी जागरूक यहाँ पे दिख रहे हैं और अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ अगर आ रहे हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और दूरी बना के यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो गोरखपुर के खास तौर पे लोग हैं वो तो आते ही आते हैं, और यहाँ पे अगर कहें तो व्यापारिक केंद्र है पूरे पूर्वांचल का ये जो गोरखपुर है, तो दूर दराज से जो दूसरे जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं वो भी आकर के एक बार यहाँ पे पूजा अर्चना जरूर करते हैं, माँ के इस दरबार में आते हैं, और शारदीय और वासंती दोनों नवरात्रों में इसी तरह से लोगों की जो भीड़ होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इस मंदिर का अब इस बार पुनरुद्धार भी किया गया है, पूरी तरह से मंदिर का कायाकल्प भी किया गया है, और जो स्पेस है वो भी यहाँ पे बढ़ाया गया, क्योंकि जो मंदिर का पहले भवन हुआ करता था थोड़ा सा छोटा हुआ करता था, लेकिन इस बार भवन को और बड़ा किया गया है, मंदिर में नई अगर कहें तो मूर्ति और तमाम चीज़ों की स्थापना की गई, तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को एक यहाँ पे स्पेस भी मिल रहा है और लोग यहाँ पे आकर के बेहतर तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये सिलसिला इसी तरह से पूरे 9 दिन नवरात्र के यहाँ पे चलता रहता है। चांदनी गोरखपुर का काफी अगर कहें तो प्रसिद्ध मंदिर है और ये माना जाता बिल्कुल है दीपक, और न्यूज स्टेट की जो दर्शक है वो भी घर बैठ के गोरखपुर में स्थित माँ काली के दर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए।